करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इससे पहले पढ़े थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में था कि किसी खास व्यक्ति या स्थानीय वस्तु का बोध नहीं होता है, पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है। और प्रॉपर नाउन में खास जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं, उसका बोध होता है। नाउन में क्या होता है, पूरा नाम ही नाउन हो जाता है। कलेक्टिव में क्या आया था, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन उस नाम को कहा जाता है कि जिससे एक ही तरह के जाति या समूह का बोध होता है ना। जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑफ नंबर पर्सन और थिंग्स जो कि लिया तो जाता है एक साथ में, चाहे अगर थिंग्स है तो थिंग को लिया जाएगा एक साथ में, पर्सन है तो पर्सन को लिया जाएगा एक साथ में, तो किधर या फिर नंबर है तो नंबर को एक साथ में लिया जाएगा। बोला जाएगा क्या करके वन होल, यानी सबको अलग अलग बोला जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, क्लास मुकरॉड आर्मी टीम कलेक्टिव नाउन के बारे में दिया है कि जिस तरह से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध, इसका बोध होता है समूह का, एक झुंड का, एक ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से एक ही तरह के जाति या समूह के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, यानी कि व्यक्तियों के ग्रुप का बोध होता है, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको मतलब रखा जाएगा एक साथ में नहीं, पढ़ा जाता है इसको कैसे अलग अलग पढ़ा जाता है। मतलब इसमें क्लास क्राउड आर्मी टीम फैमिली एक्सेट्रा, यानी कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का वर्ग, क्लास ऑफ स्टूडेंट के लिए क्लास होता है। यहाँ पे अगर रहता किसी और स्टूडेंट में, मान लेते हैं कि अ क्लास ऑफ 12th स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ 11th स्टूडेंट, तो सिर्फ 11th का ही यहाँ पे आता या फिर सिर्फ 12th का ही आता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट का बोध कराया, एक बार उसका गुण बना दिया, समूह बना दिया, है कि नहीं, स्टूडेंट का समूह बना दिया, क्लास में जाएगा। क्राउड ऑफ फेयर यानी कि मेला का, है ना, मेला का भीड़, इसका भीड़ मेला का। तो यहाँ पर अगर फेयर नहीं रहता, भीड़ किसी और चीज का रहता तो भी अलग अलग रहता, यानी कि बोला जाएगा अलग अलग पढ़ा जाएगा। एक क्लॉट ऑफ डस्ट, अ पैकेट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर के पैकेट, लेटर का पैकेट, है ना। तो पैकेट तो हमारा ये लेटर्स है, यानी पैकेट में क्या लग रहा है, लेटर झुंड है ना, एक लेटर का तो मैं पैकेट बना, एक पैकेट बनाएगा, तीन चार तो पैकेट बनाएंगे पैकेट। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का टीम, दल जिसको कहते हैं, खिलाड़ियों का दल, ये हमारा था कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल, जिसको जिससे क्या होता है कि तरह से समूह का बोध होता है, व्यक्ति का समूह हो या वस्तु का समूह हो, इसको कहते हैं जिस तरह से कि तरह के व्यक्तियों या समूह के वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाता है। इससे क्लास हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं इसके। बट यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है समझने के लिए कि क्लास, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्लास हो गया, स्टूडेंट उसमें रहेंगे, किसी और दूसरा क्लास तो आएगा नहीं, क्राउड जो रहेगा फेयर, यहाँ से फेयर की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ का तो फेयर भी रहे नहीं। यहाँ पे क्राउड ऑफ बेस्ट कह रहे हैं, यहाँ पे पैकेट ऑफ लेटर कह रहे हैं, क्योंकि पैकेट लेटर का नहीं और भी चीज़ का आता है कि टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम प्लेयर्स का ही नहीं और भी चीज़ का आता है ना, टॉप का टीम होएगा, टॉप का टीम होएगा, है कि नहीं, किस तरह से आ सकता है। ये हमारा हो गया कनेक्टिव, क्या हो गया कलेक्टिव नाउन।